नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पिथौरागढ़ की धरती पर ओमकार बिष्ट शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। जहां शिक्षा को आज लोगों ने व्यवसाय बना डाला और वहीं प्रतिभावान युवा छात्र ओमकार बिष्ट ने शिक्षा को महादान मानकर गरीब असहाय बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना एक महान व पुनित कार्य समझा है। मूल रूप से जनपद चंपावत के निवासी श्री बिष्ट इन दिनों अपने नाना नानी के साथ पिथौरागढ़ में रहकर पढ़ाई का कार्य भी करते थे और साथ ही उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते थे। जिनके मन में पढ़ाई की तो बहुत लगन है लेकिन आर्थिक समस्याओं के चलते वह आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे छात्रों को बिष्ट स्वयं घंटों प्रतिदिन निःशुल्क पढ़ाते भी हैं और जहाँ तक संभव हो सके उनकी आर्थिक मदद भी करवाते हैं। हालांकि वह एक सामान्य परिवार से हैं लेकिन उनका दिल बहुत ही बड़ा है, इस कारण संपूर्ण क्षेत्र में उनकी विशेष पहचान है। हालांकि प्रचार प्रसार से वह दूर ही रहना चाहते हैं और निष्काम भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वह अपने प्रेरणा स्रोत अपने मामा स्वर्गीय श्री मनोज पंत को मानते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते कुछ वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में पिथौरागढ़ के होनहार छात्र मनोज पंत की असमय मृत्यु हो गई थी। मनोज पंत निरंतर गरीब असहाय व जरूरतमंदों की मदद के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देने का निःशुल्क कार्य करते थे। अपने मामा से ही प्रेरणा लेकर ओमकार बिष्ट अंकित भाई से भी 16 से 18 घंटे प्रतिदिन छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके इस समर्पण की भावना को देखते हुए अनेकों बार उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी विशेष रुचि है। समय समय पर देव दरबारों की पैदल यात्राओं के माध्यम से उन्होंने समाज में लोक कल्याण का सुनहरा संदेश दिया है। छोटी सी आयु में लोक कल्याण के उन्होंने जो विलक्षण कार्य किए हैं वह सर्वथा प्रशंसनीय है। अंकित अर्थात ओमकार के पिता श्री सुरेश चंद्र बिष्ट भी शिक्षा जगत में एक बेहतर शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। माता अनिता बिष्ट गृहिणी हैं किंतु समाज सेवा के क्षेत्र में उनका भी निरंतर अतुलनीय योगदान रहता है। ओमकार बिष्ट के नाना पूरण चंद्र पंत एवं श्रीमती गीता पंत सदैव ही परोपकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं।